हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सपर्ट सीरीज के इस वीडियो में। आज के हमारे जो एक्सपर्ट और गेस्ट हैं वो है अभिलाष रंजन भाई, जिन्होंने आज तक फ्लिपकार्ट पे 60 से भी ज़्यादा साइट को सेल किया है। आज वो इस सेशन में नीचेस फाइंड करना सिखाएंगे, आप कैसे बिना किसी टूल के मदद से नीचेस फाइंड कर सकते हैं। इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप इजीली बहुत सारे नीचेस फाइंड कर सकते हैं और उस पर कैसे काम करना है वो सारा चीज़ इस सेशन में डिस्कस होगा। तो अभिलाष भाई, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू विकास भाई फॉर इनवाइटिंग मी इन योर YouTube चैनल, इट इज रियली ग्रेट। और मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि विकास भाई इज रियली अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो बहुत अच्छे से और बहुत जो उनका काम करने का तरीका है और जो उनका नेचर है, उनके जो भी तरीका है, मीन्स बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। He is doing really wonderful, helping others, doing wonderful job, create means in this industry. So it is a really good कि आप इस channel के ऊपर आए हैं, and you will learn lot of things in this channel. Okay, so let me give you a little bit of introduction about me. This is Abhilash Ranjan. I have done my BTech. मैंने BTech किया है, computer science in 2014 मैंने complete किया था। तो मुझे जॉब नहीं करना था, एंड आई एम नॉट गुड एट कोडिंग एंड ऑल। मुझे पता है ये कोडिंग वगैरह से मुझे बहुत समझ नहीं आती थी कभी, तो मुझे पता था कि जॉब वगैरह तो मैं नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। तो 2015 एंड 2016 के टाइम के ऊपर मैं इस इंडस्ट्री में अपना सारा, 2015 में मैंने स्टार्ट किया था और 2016 से मुझे एक प्रॉपर कुछ गाइडेंस मिले, कुछ अच्छे मेंटर्स मिले मुझे, तो काफी अच्छा सीखने को मिला। एंड मेरी जर्नी एक्चुअली 2017 से प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी थी अच्छे से। मैं सीखा और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिला, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस टाइम के ऊपर जो न्यू मेंबर्स होते हैं उनको क्या क्या परेशानी फेस करने को मिलता है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कहाँ पे वो स्टक करते हैं, क्या क्या रीजन। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर बहुत लाइक 80% 85% ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, जो करके काफी सालों से मेहनत करते हैं नहीं कर पाते और वो अल्टीमेटली छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, जिनको सारी स्टोरी और सारा कॉन्सेप्ट जो समझ चुके हैं वो एक अच्छा खासा मीन्स इस इंडस्ट्री पे ये बना लेते हैं, अच्छे खासे वर्क करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, एंड दैट इज रियली अ सैड थिंग, क्योंकि मैं उसी फेज से निकल कर आया हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, क्या प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलता है। और साथ साथ मैं बताते चलूं, मैं एक फुल टाइम वेबसाइट फ्लिपर हूँ, लाइक वेबसाइट बनाना, उनको रैंक करना, उससे पैसे बनाना, एंड देन फिर उस वेबसाइट को हाई प्राइस के ऊपर मार्केट में सेल करना, दिस इज वेबसाइट फ्लिपिंग। ओके, और मैं एज अ पार्ट टाइम एसईओ ट्रेनर हूँ। यस, आई एम नॉट इट अ फुल टाइम एसईओ ट्रेनर, बट एज अ पार्ट टाइम एसईओ ट्रेनर, बिकॉज आई डू टेक केयर ऑफ माई अदर बिजनेसेस ऑल्सो, एंड बट एसईओ ट्रेनिंग इज समथिंग जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मुझे ये सिखाने के लिए टीचिंग स्टफ मुझे बहुत, हमेशा से मुझे बहुत पसंद है। और आई एम हैविंग अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ मोर देन 500 मेंबर्स, जहां मैं ये सारी चीजें करता हूँ, जहां पर मैं सिखाता हूँ साल में एक दो बार में, जो भी चीजें इंप्लीमेंट करता हूँ, जो चीजें मैं सीखता हूँ, उसको एक ग्रेट वे है कि मैं उन सारे जो एक्शन लेते हैं उनको मैं समझाता हूँ, और वी आर डूइंग रियली गुड इन दिस, उनको भी हेल्प मिलती है, दैट इज समथिंग रियली ग्रेट, और दैट इज व्हाट यू ऑल नीड, कि आप किसी को गाइड करते हो और उससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नी जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और ये मैं हमेशा कंटिन्यू करूंगा। एंड या फुल टाइम ब्लॉगर एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग अगर आप नहीं करते हो, अगर आप नहीं ये सारी चीजों को रैंक कराते हो या फिर अर्निंग करते हो, तो आप फ्लिपिंग भी नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर आप एक, ये सिंपली आपसे कनेक्टेड है, अगर आप अच्छे से खुद काम नहीं कर पाते हो तो फिर आप उसको मार्केट के ऊपर कैसे सेल कर सकते हो, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो मैं स्क्रैच लेवल से काम करता हूँ, उसको रैंक कराता हूँ, फिर अर्निंग होती है, फिर मैं उसको मार्केट के ऊपर सेल करता हूँ। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, लेकिन मोर आई वुड लाइक टू गिव यू द वैल्यू, नॉट मैं आपको इन सारी चीजों के ऊपर उलझाना नहीं चाहता हूँ।
बस मेरा मकसद ये होता है कि मैं आज जो भी डिलीवर करूं उनसे इससे आपको फायदा हो। मैं क्या कर रहा हूं अभी, किस तरीके से, तो इसलिए बस छोटी मोटी इंट्रोडक्शन में इसलिए बताना चाहता हूं ताकि एटलीस्ट आप थोड़े से समझ सको। ओके, नथिंग मोर देन दैट। इन flipa.com मैंने अभी तक मोर देन 60 वेबसाइट्स को सेल किया है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरी जो प्रोफाइल है दैट इज 100% पॉजिटिव फीडबैक, और काफी अच्छा मैंने प्रोफाइल को मैनेज किया है। तो मुझे यहाँ पे लर्न करने को काफी कुछ मिला कि आप कैसे इतने सारे साइट्स को मैनेज करते हो, कैसे बायर से बात करते हो, कैसे आप सिस्टम को समझते हो। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग अ ग्रेट कि आप एक बिजनेस को सेटअप करते हो, दिस इज समथिंग आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस को सेटअप करते हो। जहां तक मैंने देखा है फ्लिपा पे, मुझे फ्लिपिंग इंडस्ट्री पे मुझे कभी कोई इश्यू फेस करने को नहीं मिला है, ना कोई इस तरीके से प्रॉब्लम फेस करने को मिला है कि मार्केट कभी ऐसा है कि साइट सेल नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। देर आर वेरी बिग बायर्स, बहुत हर तरीके के बायर्स हैं, सब अच्छे से, अगर आपकी वर्थ है और सब कुछ अच्छे से, अगर आप जानते हो साइट को कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे साइट को क्रिएट करना है और क्या लोगों को पसंद है, ये अगर सब कुछ अच्छे से पता है आपको, तो आप भी एक वर्थ वाली साइट्स को क्रिएट करके आप इजिली आप सेल कर सकते हो मार्केट के ऊपर। ठीक है, फ्लिपकार्ट के ऊपर मैंने साइट सेल किया है टोटल, इतना, दिस इज जस्ट रफ स्टफ जो मैं बता रहा हूँ आपको। और फ्लिपा के अलावा भी डायरेक्ट बायर्स हैं, प्राइवेट बायर्स हैं, तो वहां पे काफी सारे साइट्स सेल आउट होते रहती है। तो ये जस्ट एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताया ताकि विकास भाई के ऑडियंस ऐसा ना समझे कि हु इज अभिलाष रंजन। ओके, तो द कॉन्सेप्ट टुडे इज, आज का सेशन जो हमारा होगा, मैं प्योरली चाहता हूँ कि सेशन के ऊपर मैं फोकस करूँ अच्छे तरीके से, जो एक हेल्प हो सके आपको जितना मैं एक सेशन के ऊपर, तो इट इज रियली इम्पॉसिबल टू टेल, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करें तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। और काफी ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है और वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारी स्ट्रेटजीज को मैंने थोड़ा सा रिमोल्ड किया, थोड़ा सा चीजों को चेंज किया है, एंड देन आई एम गेटिंग सम ब्यूटी रिजल्ट। बिकॉज इन फ्लिपिंग, अगर आप नीच रिसर्च को और कीवर्ड रिसर्च को नहीं समझोगे, अगर आप एक हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट के ऊपर काम करोगे, तो फिर 1 साल के 2 साल तो आपको रैंक कराने को लगेगा, फिर आप सेल कब करेंगे। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के ऊपर मुझे एक बेहतरीन रिसर्च करना पड़ता है, और इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक बेहतरीन कीवर्ड निकालना, नीच निकालना है, ताकि मैं जल्द से जल्द रिजल्ट ले सकूं और कुछ इनिशियल अर्निंग हो सके, ताकि मैं उसकी इवेल्युएशन को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो दिस इज द ओनली रीजन आई गिव मैक्सिमम टाइम ऑन रिसर्च स्टफ। और जब आप देखोगे तो सिर्फ रिसर्च नहीं है, ठीक है, मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताता चलूं, और ये आप खुद से आप सीखोगे। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई स्टार्ट कैसे किया जाए, कैसे एक राइट डायरेक्शन है, तो आपको मैं बताता हूँ कि फेल होने का क्या रीजन है। बहुत सारे मेंबर्स जो है वो क्यों फेल हो जाते हैं, मेनी पीपल टेल्स कि इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है। यस, डेफिनेटली सारा कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वो कड़ी जोड़ना कैसे है। किसी पजल को आप अगर देखते हो, तो इफ यू नो हाउ टू सेट ऑल सच पजल इन अ राइट वे, देन ओनली आप उसको बना सकते हो। यहाँ पे इश्यू ये होती है न्यू मेंबर्स के साथ कि वो राइट वे पे सेट नहीं कर सकते नॉलेज को। सारी चीज अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चीजों को समझेंगे कि प्रॉपरली फ्रॉम द स्क्रैच एंड टिल द एंड कैसे चीजों को काम करना है, क्या क्या चीज को आपको माइंड के ऊपर रखना है और किस तरीके से चलना है। ठीक है, बहुत लोग इस नहीं जानते हैं, कमेंट स्पैम करते हैं इधर उधर, मीन्स दे डोंट नो, जस्ट दे आर डूइंग वॉट एवर दे आर लर्निंग इन अ अनसेचुरेटेड वे। ठीक है, तो यार मैं वही बताऊंगा कि सीखने का एक तरीका होना चाहिए, आपको सारा कुछ समझना है। अब एक एक सिंपल सा बात है कि गूगल का एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि साइट मैप क्या है, robot.txt क्या है, एवरी सिंगल स्टफ, HTTPS, नेविगेशन, साइट स्ट्रक्चर, फेविकॉन, सारा जो पॉइंट्स हैं आप इनको एक नोटपैड में लिखो और एक एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो।
ठीक है, वो क्या है हिंदी में समझो, उसके बारे में रिसर्च करो, लेकिन आपको हर एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि इन एसईओ में आपको बताता चलूं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सोचते हो सिंपली कीवर्ड्स निकालना है, आर्टिकल पब्लिश करना है एंड देन स्टार्ट करना है बैकलिंकिंग, तो एक्चुअली ऐसा गेम नहीं है। आपको प्रॉपरली अगर काम करना है तो एवरी सिंगल थिंग के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे सीखा जा सके, कैसे फ्री रिसोर्स से प्रॉपरली तरीकों को समझ सको, कैसे ये कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर काफी कुछ है, आप इनसे अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब जिस दिन आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन ओनली व्हेन यू सी सम हायर लेवल ऑफ वीडियोस, फिर आप जो बहुत सारी कोई वीडियोस को देखोगे तो उनके टर्मोलॉजी, उनके माइंडसेट, उनके जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप उनको समझ पाओगे वो किस तरीके से सोच रहे हैं एसईओ के अंदर, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं एसईओ के अंदर। ठीक है, तो जब तक ये बेस आपका स्ट्रांग नहीं होगा, टिल देन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बताता चलूं कि फॉरगेट अबाउट द मनी, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो मनी आप कमाओगे ही कमाओगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्किल है, एसईओ की स्किल आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। वर्ल्ड में कभी भी आपको ये स्किल, इतनी वैल्यूएबल स्किल है, एसईओ को समझो, बहुत 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 इसके अंदर काम है, बहुत ज्यादा मीन्स इसके ऊपर डिमांड है। ठीक है, और ये एक प्रॉपर एसईओ मार्केट के ऊपर अगर आपने ग्रिप बना रखा है तो यू विल नेवर एवर लूज दिस स्किल। ठीक है, तो ये सारा कुछ था मैं आपको एक गाइड करना कि आप एक बेसिक लेवल से कैसे काम को स्टार्ट कर सकते हो। सो मेरा टॉपिक आज क्या है, थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं आपको गाइड करता चलूं कि क्या है, किस तरीके से है। ओके, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले मैं उनको बताता चलूं, जस्ट ए मिनट। जैसे कि कॉन्सेप्ट, जब आप रिसर्च करते हो तो कॉम्पिटिटर रिसर्च, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, कॉम्पिटिटर रिसर्च, ये सारे जो फॉर्मूलाज है, जैसे कि केजीआर वेजीआर, ये जो आप समझते हो, जिस दिन आपने कॉम्पिटिटर रिसर्च को अच्छे से समझ लिया, जिस दिन आपने पूरी की पूरी साइकोलॉजी समझ ली कि कॉम्पिटिटर रिसर्च क्या है और किस तरीके से करना है, फिर आप सारे फॉर्मूलाज को छोड़ दोगे। क्योंकि कॉम्पिटिटर रिसर्च के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमेन की अंडरस्टैंडिंग, डोमेन की पावर। ठीक है, डोमेन किस लेवल से, किस तरीके के डोमेन है, और इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट और सेशन हो सकती है कि आपको क्या क्या चीजों के ऊपर समझना है। तो मैं अभी फिलहाल आपको ऐसे बता देता हूँ, डोमेन के ऊपर कोई भी डोमेन एक पावरफुल डोमेन होता है, तो अगर बहुत अच्छे जो उसके रेफरिंग डोमेन्स है उससे उस किसी भी डोमेन को आप समझ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एंकर टेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, रेफरिंग डोमेन्स जो लिंक होती है, बैकलिंक्स जो लिंक होती है, वो किस तरीके से लिंक होती है, किस रिसोर्स से लिंक होती है, क्या कंटेक्स्ट से आप लिंक हो रहे हो किसी भी दूसरे वेबसाइट से, तो आपको वो देखना है। ठीक है, गूगल की तरह आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि अगर आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वेबसाइट से अगर आपको लिंक मिल रही है, तो वहां जाकर आप देखो कि किस तरीके से लिंक मिल रही है, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो। ठीक है, क्या कंटेंट, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक हमेशा बहुत अच्छा होता है, इट मीन्स कि आप कंटेंट के अंदर से एक प्रॉपर एंकर के थ्रू अगर आपको एक बैकलिंक्स मिल रही है तो वो सबसे अच्छा एक देखा जाता है, क्योंकि दैट हेल्प्स देयर वेबसाइट ऑल्सो, उसकी वेबसाइट के ऊपर भी क्रेडिबिलिटी बनती है, वो भी आपको रिसोर्स के रूप में आपको वो लिंक करते हैं, रिसोर्स के रूप में लिंक करते हैं कि आप वहां जाकर रीड आउट कर सकते हो, ये समझो आप। ठीक है, तो ये सारे, और द पावर ऑफ द बैकलिंक्स, द पावर ऑफ द रेफरिंग डोमेन, जितनी स्ट्रॉन्ग रेफरिंग डोमेन, जितनी स्ट्रॉन्ग दूसरी वेबसाइट्स हैं, बहुत अच्छी है, अच्छा कंटेंट है उसके ऊपर, अच्छे लिंक्स हैं उसके ऊपर, और वहां से फिर आपको मिल रही है, अच्छे बैकलिंक्स मिल रही है, तो फिर इस तरीके से आप डोमेन्स को एनालाइज करते हो, चीजों को देखते हो, डीए डीआर वीआर, और ये जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, और डीआर यूआर, ओके, ये सारी जो भी चीजें आप देखते हो, इस पे उतना फोकस नहीं करना है आपको। इट मीन्स जब आप कॉम्पिटिटर रिसर्च को देखते हो तो ऐसा नहीं देखना है कि बहुत हाई टाइप का डीआर और डीए है तो फिर आपको, ऐसा नहीं है। इसके ये सारी चीजों के ऊपर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेन की मीन्स एक डोमेन है तो वो किस टाइप का डोमेन है। ठीक है,
ये जब आप समझोगे, अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा इसलिए, लेकिन पहले मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या देखना है, वो भी मैं आपको साइड में ये बता देता हूँ। आप एक अच्छे खासे डोमेन को इस स्ट्रेटजी से ये काम करके आप बीट कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज टॉपिकल अथॉरिटी, ठीक है। टॉपिकल अथॉरिटी, फिर साइट स्ट्रक्चर, एंड देन साइलो ऑफ दैट, नेचर ऑफ दैट वेबसाइट, ये इसको समझना है। अगर ये स्ट्रांग है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप एक अच्छी, मीन्स अगर आप देख रहे हो कि हाइडिया की वेबसाइट भी है, वो भी बीट किया जा सकता है। विथ द लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत छोटी छोटी साइट्स है, ठीक है। जैसे कि सपोज इसकी DR3 है, ओके, और ये 5.9 के कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। मैं वही एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये कितने ऐसे साइट्स के ऊपर, आई मीन्स आउटरैंक कर रहा है, कि आप देखो इसको। ठीक है, सपोज इट इज रैंकिंग फॉर 5.1 के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। अब मैं देखता हूँ कि कौन से कीवर्ड्स हैं, और आपने इसकी डोमेन की रेटिंग आपने देखा 3.5 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारा स्टफ है, सपोज इस कीवर्ड के ऊपर लेट्स चेक कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं, ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप देखोगे बहुत डिफरेंट टाइप की, सिर्फ आप देखोगे कि 32 DR बहुत हाई DR है, 93 93, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट अगर है आपके पास कि टॉप 10 के ऊपर बहुत हाई DR की साइट है, तो मैं उस कीवर्ड को पिक ही ना करूं। मैं बस उस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप सिंपली अगर देखते हो यहां पर बहुत हाई DR या फिर DA, आप जो भी देख लो, DA DR जो भी आप नाम ले लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहां पे इन सारे साइट्स को ये साइट्स बीट कर रही है 3 DR के साथ। फिर दूसरा अगर आप देखते हो कि ये बैकलिंक्स का सिर्फ काम है कि पेज के ऊपर इन्होंने ज्यादा बैकलिंक्स क्रिएट किया है, और ऐसा भी नहीं है, ओके। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं, तो उस गेम को ही मैं समझाना चाहता हूं अच्छे तरीके से आपको, तो उसको समझ, लेट्स गेट इनटू इट। जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने उसके आपको लाइव एग्जांपल भी शो कर दिया। ये वेबसाइट को अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, एंड्रॉइड प्लस और जो भी चीजें हैं, तो इसकी नेचर आप ये देखो किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके से इसने कंटेंट को कवर किया है, और कितना कंटेंट है इस वेबसाइट के ऊपर। कभी भी आप देखोगे इस तरीके की जो साइट्स होती है, कंटेंट उसके ऊपर अच्छा खासा होता है, ओके। तो पहला कौन, अब जो मैं बता रहा हूं आपको, थोड़े पॉइंट्स को समझो। आप यहां देखिए 91 URL, तो इससे क्या, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा मैं, बहुत हजारों साइट्स आपको ये दिखा सकता हूँ, हजारों पैटर्न्स में दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी आप काम करो, तो दूसरा एक जो वर्क होता था वो किस तरीके से वर्क होता था, सपोज आपने देखा होगा डाउनलोड, सपोज डाउनलोड vidmat.com, मीन्स vidmat एक कीवर्ड है। तो लोगों ने क्या किया कि 5 पेज बना लिया, उसको नेविगेशन में डाल दिया, 5 डिफरेंट डिफरेंट पेज बना लिया, ठीक है, और फिर लगे पड़े हैं बैकलिंक्स के ऊपर। यहाँ पर रैंकिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है। कंटेंट की अगर अथॉरिटी अगर आप क्रिएट करते हो, तो आप बैकलिंक बजट को कम कर सकते हो। अगर आपके पास मीन्स कम कंटेंट है, तो फिर वो उतना सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि गूगल की एक कॉन्सेप्ट को हमेशा आपको समझना है कि वेन एवर यू आर वर्किंग, आप इस लेवल से काम करो, आप इस लेवल से गूगल को शो कराओ कि आप एक ऑथोरिटी के रूप में काम कर रहे हो, आप एक टॉपिक के अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे हो, ठीक है। अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ये मेरे कॉन्सेप्ट को प्लीज समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आप एक छोटे से लेकर बड़े टॉपिक के ऊपर भी अथॉरिटी बन सकते हो। कोई भी बंदा अगर बोल दे कि नीच खत्म हो चुका है, यूएसए के ऊपर ही मैं बता रहा हूँ, कोई बोल दे कि यूनाइटेड स्टेट के ऊपर काम नहीं किया जा सकता या फिर नीच नहीं है, तो आप मुझे कोई भी नहीं चलाओ,
उसके ऊपर में, उसके ऊपर में आपको साइट बनाकर उसके ऊपर इनिशियल, आपको बिना बैकलिंक्स के इनिशियल रिजल्ट लाके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये सारा गेम कॉन्सेप्ट का है। तो यहाँ पर क्या क्या फॉलो करना है कि अगर आप काम करते हो, जैसे कि आप एंड्रॉइड के ऊपर काम करते हो, तो उसके रिलेटेड ही आप कुछ अच्छे खासे कीवर्ड्स, कम से कम ये तो टारगेट रखो कि जो भी साइट आप बना रहे हो 100 आर्टिकल डालना ही डालना है, चाहे आप जैसे भी करो। उसके पहले आप अपना बजट बना लो, या उसके पहले जैसे मर्जी आप कर लो, देन ओनली स्टार्ट। 3, 4, 5, 20 आर्टिकल से नहीं काम करना है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो, ठीक है। अब और इसमें साइलो की जो बात आ जाती है, ठीक है। अब देखो, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, मैं करता हूं फाइंड नॉट वर्किंग, ओके। तो 34 ऐसे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जो नॉट वर्किंग के रिलेटेड है। अब ये भी अलग से ही एक इंपॉर्टेंट स्टफ है। इसमें 34 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्होंने यूट्यूब नॉट वर्किंग, ये भी एक मीन्स साइलो क्रिएट कर रही है। साइलो के मतलब को आप समझो, साइलो का मतलब होता है कि एक जार है, एक टाइप का उसके ऊपर बबल्स मीन्स कोई भी स्टफ रखा है ऑरेंज, ठीक है। फिर एक दूसरा जार है, उसके अंदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, दैट इज समथिंग ब्लू। तो आप ब्लू और ऑरेंज को मिक्स नहीं कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट जार के ऊपर आपने रखा है। इसी तरीके से एक वेबसाइट के अंदर भी ये डिफरेंट जार की तरह आप इसको ट्रीट करो, ये ऑरेंज अलग अलग है, ये अलग अलग। इसकी इंटरनल लिंकिंग जब आप करोगे तो इसको एक अलग साइलो के रूप में देखकर करो। इट मींस कि नॉट वर्किंग वाला जितना पोस्ट है, आप नॉट वर्किंग वाले पोस्ट के ऊपर ही लिंक करो, प्रॉपरली तरीके से इंटरलिंक करो। इंटरलिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा कीवर्ड रिसर्च, हमारा डोमेन सिलेक्शन, कीवर्ड रिसर्च, नीच रिसर्च, साइट स्ट्रक्चर, एवरी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर से लेकर इंटरलिंकिंग से लेकर बैकलिंक, और बहुत ऐसे चीजें हैं जो 200 फैक्टर्स आप सुनते हो, बोलते हो, एवरी उससे भी ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी मेरी मीन्स मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जिस तरीके से चीजों को समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। इसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन बहुत ऐसा मैं आपको बता दूंगा कि आप काम करो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को समझो कि एक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। आप बैकलिंक्स के ऊपर भी अथॉरिटी क्रिएट करो, आप यहाँ से कंटेंट के ऊपर भी अथॉरिटी क्रिएट करो, आप साइलो के ऊपर भी काम करो, ठीक है। इस तरीके से काम करो, इसने बेस्ट। अब अमेजन के बारे में मैं बताऊंगा, एफिलिएट के बारे में मैं बताऊंगा कैसे काम किया जाता है। अब ये देखो, इसने इतना इंफॉर्मेटिव कंटेंट के ऊपर फिर कुछ अमेजन के लिए इसने काम किया है। तो 34 नॉट वर्किंग वाले कीवर्ड्स हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर आपके पास 500 ऐसा आर्टिकल हो नॉट वर्किंग वाला, तो फिर क्या हो, कभी ये सोचा है आप? बहुत मेंबर्स बोलते हैं कि एचरेफ नहीं है तो फ्री जनरेटर भी है, चलो यहां से देखते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। इसने सिर्फ 34 किया है फिलहाल, मींस एक अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए। अब मैं देखता हूँ नॉट वर्किंग के रिलेटेड कितने कीवर्ड्स है। अगर आपके पास ऐसी कोई वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है जिसमें आपने 500 कीवर्ड को कवर कर लिया इसी के रिलेटेड, पूरी की पूरी इसमें को इसमें मीन्स एक ऐसी साइट आप बनाओ जिसके ऊपर 1,000 कंटेंट, 500 ही कंटेंट हो, और जिसमें आप, आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, बिना कोई पेड टूल को यूज किए बता रहा हूँ, जिसमें आपने सिंपली ये सारे नॉट वर्किंग को फिक्स कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करो। भूल जाओ सीपीसी, भूल जाओ वॉल्यूम, भूल जाओ सारा कुछ। उतना इनडेप्थ तो अभी मैं नहीं जा सकूंगा, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा दूं कि 0 सीपीसी वॉल्यूम वाले का भी कितना हाई ट्रैफिक होता है। सीपीसी के ऊपर भी बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो आज ब्रेन स्टोरमिंग का तरीका बता रहा हूँ, जो आपको मैं वे बता रहा हूँ, उससे सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसके ऊपर ब्रांड टर्म, आप ब्रांड डोमेन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। उस तरीके के डोमेन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि notworking.com ही लेना है, ऐसा भी नहीं है। आप ब्रांड, और ब्रांडेबल डोमेन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मार्केट के ऊपर बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे सपोज आपने 500 ऐसे कीवर्ड्स को काम किया, आप देखोगे भी कि बैकलिंक्स कम बनाने से, आप एक भी बैकलिंक्स मत बनाओ, सिर्फ 500 कीवर्ड आप इसको कवर कर लो, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे कीवर्ड्स सेकेंड पेज तक पहुंच जाएंगे, फर्स्ट पेज भी पहुंच जाएगा, मैं गारंटी लिख कर देता हूँ, फर्स्ट पेज तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मैं मुझसे लिखवा सकते हो आप, सेकेंड पेज तक तो आना ही आना है, लेकिन फर्स्ट पेज तक भी बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे और इनिशियल ट्रैफिक भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
और फिर जब आप अच्छे से जब बैकलिंक्स और सारी अथॉरिटी को क्रिएट करोगे, देन जस्ट इमेजिन दैट कोई अच्छा 10 कीवर्ड भी आप टॉप 3 के अंदर सबसे पहले रैंक कराओगे तो क्या कर सकते हो आप, ठीक है? वो एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट बन सकता है आपका। ये तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया, जस्ट आइडिया, यहां से देकर जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से बात को आप समझें कि कैसे काम करना है। फिर आप इसी डोमेन के ऊपर दूसरे टाइप्स के जो स्टफ है उसके ऊपर भी काम, यहां से मैं आपको दिखाता हूँ एक और इंटरेस्टिंग बात, ठीक है? सपोज एक टॉपिक मैं ले लेता हूँ, स्नैपचैट ले लेता हूँ, यहां से बहुत सारी चीजें। अब देखो स्नैपचैट के ऊपर क्या कोई एक ऐसी ऑथोरिटी साइट है जो जिसने कि सिर्फ स्नैपचैट के ऊपर काम किया है? अब एक और एडिशन करता जाऊं मैं, ये जो साइट आप बनाओगे, आप देखोगे इस तरीके की जो साइट्स आप क्रिएट कर रहे हो वो हाई ऑथोरिटी डोमेन को भी आउटरैंक करके बैठे बैठा रहेगा। गूगल की जो एक्चुअल जो सिनेरियो मैंने देखा है, जो वर्किंग मैंने समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजों को चेंज करके आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। इसको समझने में मुझे बहुत बहुत टाइम लगा है, ठीक है? लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ अच्छे से, वो भी ताकि आप इसको रिजल्ट ले सको। इस लेवल से, इस तरीके से बता रहा हूँ। अब यहां से मैं और भी नीचे से निकाल रहा हूँ, आप जो टॉपिक बोलो मैं उसके ऊपर साइट बना के दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है? गार्बेज डिस्पोजल, इसी के ऊपर से मैं कीवर्ड्स निकाल रहा हूँ, चले नीचे से निकाल रहा हूँ। पीपल आर टेलिंग दैट नीचे से नहीं मिलते हैं क्योंकि वो टूल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बिलीव मी, आप जो टॉपिक बोलो मुझे विदाउट यूजिंग एनी टूल, मैं कॉम्पिटिटर रिसर्च भी कर लूंगा विदाउट यूजिंग एनी टूल, ठीक है? मैं आपको सारा काम मैं ये कर लूंगा विदाउट यूजिंग एनी टूल, और रिजल्ट भी मिलेगा। अब यहां से मैं कुछ एग्जाम्पल्स सिर्फ ले रहा हूँ, रोकू या जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है? अच्छा चलिए, बहुत यहाँ से चलो इतना ही है, बहुत है। नेटफ्लिक्स भी है, मीन्स ये बताना की कोशिश कर रहा हूं मैं कि टॉपिक का कोई इश्यू नहीं है। अब एडसेंस नीचे इसके ऊपर क्या होता है, लोग बोलते हैं कि एडसेंस की साइट, अमेजन की साइट, मीडिया वाइन की साइट, ऐसा नहीं है। एक टर्म होना चाहिए, दैट इज नीच साइट, ठीक है? एक टर्म आप याद रखो, दैट इज नीच साइट। नीच साइट का मतलब, अगर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये भी नीच साइट एक टॉपिक के ऊपर है, ये भी अगर आप रोब्लॉक्स है, रोब्लॉक्स के ऊपर आप बनाओ पूरी की पूरी साइट बनाओ, सिर्फ रोब्लॉक्स के बारे में होनी चाहिए। इट मीन्स दैट आपको जितना उसमें जो भी कीवर्ड्स है, किसी भी इंसान को कोई भी दूसरी साइट के ऊपर विजिट नहीं करना पड़े, आप एक लौता अथॉरिटी बनो। अब यहां से बस एक वर्ड मैंने जो आपको बताया, आप सोचो दुनिया में कौन सा ऐसा टॉपिक है, कितना कुछ स्पेस है, ठीक है? इसको बस समझो बस। और कीवर्ड कैसे होते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बहुत सारे जो काम करते हैं इसके ऊपर, जो प्रॉब्लम्स है आप उसको सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट। ये होता है एक नीच साइट क्रिएट करने का तरीका। बायर अमेजन की कीवर्ड्स, एफिलिएट के कीवर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कि फायर स्टिक सेल करना है आपको, आपने पूरा का पूरा नीच साइट क्रिएट किया, उसके अंदर आप जो भी उसके बायस वाले कीवर्ड्स होते हैं कि बेस्ट फायर स्टिक अंडर $100 या $200, इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं, आप दो तीन अच्छे से कीवर्ड को कवर कर लो, वो रैंक भी अच्छे से होंगे, आपको वहां से एफिलिएट से भी अर्निंग होगी। अब एफिलिएट कर लिए, ऐसा नहीं है कि आप पूरी के पूरे 100 साइट बेस्ट 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 लगाकर आप बनाओ, वो फिर आप पेनल्टी के ऊपर आ जाओगे। गूगल डोंट लाइक सच टाइप ऑफ थिंग्स। आप वैल्यू प्रोवाइड करो नीच साइट के ऊपर, बहुत अच्छी ट्रैफिक है तो आप एडसेंस छोड़ के प्रीमियम नेटवर्क के ऊपर जाओ। तो ऐसा होता है, एक नीच साइट के ऊपर आप अमेजन भी करते हो, आप एडसेंस भी करते हो, आप डिफरेंट क्लिक बैंक, अब क्लिक बैंक के लिए सेपरेट साइट थोड़ी क्रिएट होता है, क्लिक बैंक के लिए आप उसी के ऊपर किसी हेल्थ नीच के ऊपर आपने काम किया, कीटो के ऊपर आपने पूरा का पूरा बनाया, उसके ऊपर कोई बुक मिल गया क्लिक बैंक के ऊपर, आपने एक क्रिएट किया रिव्यू और आपने उस बुक को प्रमोट कर दिया, दैट इज अ नीच साइट। और आप एक कीटो की एक कंप्लीट वेबसाइट को आप बना रहे हो, उसके ऊपर आप जो मर्जी चाहो जैसे मर्जी चाहो एडसेंस के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप क्लिक बैंक का भी प्रमोट कर रहे हो, आप एक पोस्ट के थ्रू आप अमेजन के कुछ प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हो, क्या इश्यू है, ठीक है? तो नेटवर्क्स के ऊपर साइट नहीं बनती है, साइट बनता है नीच साइट, टॉपिक नीच साइट, इसका मतलब होता है, ठीक
ठीक है। अब यहां से आपके सामने मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल लिए। अब स्नैपचैट के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ इश्यू होना ही चाहिए। स्नैपचैट के ऊपर बहुत, आप सपोज आप बहुत कुछ जानते हो फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड सोचो अगर आप, तो बहुत लोगों को तो साइट अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है, डीएक्टिवेट करने में प्रॉब्लम होता है, परमानेंटली मीन्स किसी के ऊपर डार्क मोड लाने कैसे किया जाता है वो प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम लोगों को उनके मोबाइल के कितने फीचर्स है वो पता नहीं होता है, ठीक है। तो बात समझो, नीचेस तो हर जगह है आपके पास, नीचेस के लिए तो कोई इशू ही नहीं है। अब सपोज मैं देखता हूँ स्नैपचैट, तो मैं करता हूँ हाउ टू, और देन लेट्स सी कितने कीवर्ड्स निकलते हैं। जस्ट अ फ्री, इट्स अ फ्री टूल। ओके, स्नैपचैट, हाउ टू स्नैपचैट के ऊपर, ओके गाइस, तो यहाँ पे वो नहीं है, तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ एक तरफ क्यों फ्री टूल में आप स्नैपचैट सिंपली आप देख लो करके जो भी है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ गूगल के, गूगल इंस्टेंट, ये बहुत जबरदस्त टूल है, ठीक है, बहुत जबरदस्त टूल है। यहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज मैं निकाल सकता हूँ, बहुत सारे आइडियाज यहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ से बेस कीवर्ड्स आपको पता चल गया, यहाँ नो इश्यू इन दैट। स्नैपचैट के ऊपर भी कितने सारे, ये देखो आप कितने सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स है, और क्या डार्क मोड स्नैपचैट, अभी जो मैं आपको बता रहा था मुझे नहीं पता डार्क मोड स्नैपचैट के ऊपर क्या होता है, तो हाउ टू एनेबल डार्क मोड इन स्नैपचैट, ठीक है। बहुत ऐसे चीजें हैं जो पीपल आर सर्चिंग एंड उनको नहीं मिलता है, उसके लिए साइट बनती है, और दैट साइट इज नीच साइट जो आप बनाते हो, और फिर आप एडसेंस वगैरह ट्रैफिक आने के बाद फिर आप अप्लाई करते हो, ठीक है। हाउ टू स्टार के बाद चीजों को आप देखो कि क्या क्या सर्च हो रहा है स्नैपचैट के ऊपर। जस्ट ए मिनट, बहुत सारे वेरिएशन है, मैं यहाँ से बहुत कुछ देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसके एक डिफरेंट तरीका है। हाउ ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से मैं पेरेंट्स की बहुत डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स की रिसर्च में कर सकता हूँ, यहाँ से इसको समझना होगा अच्छे से। अगर मैं इसी को देख लेता हूँ तो कितने सारे कीवर्ड्स हैं, आप देखो, आप भूल जाओ सब कुछ सर्च, आप एक अच्छा नई साइट बनाने के बारे में बात करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे हाई सर्च वॉल्यूम भी रैंक होगा, हाई कॉम्पिटिटिव भी रैंक होगा, लेकिन जब आप वॉल्यूम के पीछे पड़ जाते हो, जब आप केडी के पीछे पड़ जाते हो, जब आप सीपीसी के पीछे पड़ जाते हो, उस दिन आप एक अच्छा कीवर्ड नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। आप यहां से देख लो, तो यहां से क्या मैं 100 कीवर्ड्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, यहां से मुझे 100 कीवर्ड ऐसे ही मिल गए। आप मेहनत करो, खुद लिखो, लिखवाओ, जैसे मर्जी आप करें, ठीक है, जैसे मर्जी आप काम करें, लेकिन एक टारगेट रखो आप, ठीक है, ये टारगेट रखो आप कि आपको एक साइट के ऊपर अच्छे से काम करना है। ये तो बस एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप टॉपिक की जहां बात आती है तो यार इतने टॉपिक्स है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, जहां मर्जी चाहे खेल सकते हो आप, ठीक है। अब यही एग्जाम्पल जस्ट मैंने दिया, आप अभी तक टूल नहीं किया है, पेड टूल यूज नहीं किया है, पेड टूल से और क्या फायदा है वो भी दिखा देता हूँ। पेड टूल में भी ऐसे ऐसे कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं जो कीवर्ड्स यहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर डज डज इज एम आर, ये भी बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, जो एक क्वेरी बेस्ड ये होता है, मीन्स एक इंटेंट, और दूसरी बात मैं बताता चलूं, जो एक इंटेंट होता है कीवर्ड का, क्या यूट्यूब के लिए कीवर्ड बना है, क्या उसके ऊपर सीटीआर आएगा, क्या टॉप 3 के ऊपर कैसी साइट्स रैंक होगी, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, स्नैपचैट नोटिफाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो इस तरीके से कौन सी साइट आ रही है, कोरा भी बहुत अच्छा है, आप कोरा के ऊपर जाओ, कोरा के ऊपर जाने के बाद आप ये कर सकते हो, बहुत कुछ है, आप कोरा से भी काफी कुछ देख सकते हो, क्योंकि कोरा एक यूजर बेस्ड जगह है जहां पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जहां पे वहां पर आंसर भी मिलता है, वहां से भी आप कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो। रेडिट कितना अच्छा जबरदस्त है, टेक टाइप के और बहुत सारे फॉरम्स है, वहां से भी आप निकाल सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आप देखो कौन सी साइट आ रही है, देख सकते हो आप, ठीक है, कौन सी साइट्स आ रही है। कॉम्पिटिटर रिसर्च तो खैर मैं आज नहीं करा पाऊंगा आपको, बस मैं आज ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए ही मैं आपके लिए आया हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग और चीजों को समझाना तरीका,
कॉम्पिटिटर रिसर्च का तो आज बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए तो आप देखो ये सारे कीवर्ड्स को कवर कर रहे हैं, और मैंने ये कीवर्ड्स को कैसे देखा, डज लगा के सिंपली मैंने इससे देखा, ठीक है, इससे मैंने देखा डज स्नैपचैट, स्नैपचैट के बाद क्या क्या चीजें सर्च हो रही है, आप देखो बहुत सारे चीज है आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर अगर एचरेफ पेड टूल के ऊपर जाए, या फिर एसएमरश के ऊपर जाओ, या फिर कहीं भी आप जाओ, कोई भी एचरेफ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मैंने आपको जो भी दिखाया वो विदाउट यूजिंग पेड टूल मैंने दिखाया, लेकिन इसके बाद इसको भी मैं दिखाता चलूँ। आपने ब्लैंक सर्च किया, आपने कंट्री चूज किया, आपने यहाँ लगा दिया स्नैपचैट डज, ठीक है, कॉमा स्टार कॉमा एंड देन स्नैपचैट, तो लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट, स्नैपचैट, ओके, ठीक है, एक तरीका आपने ये देखा, सारे कीवर्ड्स आ गए, आप देख सकते हो जो भी स्टैट्स है, बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए आपके पास, यू कैन सी द कीवर्ड्स, ठीक है। एंड फिर आप देखो स्नैपचैट, यहाँ पे आप स्नैपचैट, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई दूसरी साइट नहीं है जिसने इस लेवल से काम किया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, जो क्वेरी वाले स्टफ है उसको मैं ओपन करता हूँ, इसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि हाउ टू वाले कितने कीवर्ड्स है, अब इसी के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट साइलो को चेक करूंगा, हाउ टू वाले कितने कीवर्ड्स है, हाउ टू, ठीक है, कॉमा स्टार। अब स्नैपचैट के ऊपर आप देखो, मैं कुछ नहीं DRVR फिल्टर यहाँ नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं कर, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा जब आप अच्छे से काम करने लगोगे तो ये सारे रैंकिंग के ऊपर अच्छे से आ जाएंगे, इसलिए इसमें भी फिल्टर आउट मैं नहीं करता हूँ। सिंपली मैं ये कोशिश करता हूँ देखने का कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हाई पोटेंशियल कीवर्ड्स मेरे लिए अच्छा हो सकता है, मेरे साइट के लिए अच्छा हो सकता है। अब ये देखो आपके सामने, ये देखो, ठीक है, अब हाउ टू के रिलेटेड है, अब डज के रिलेटेड मैंने आपको दिखाना है, फिर इज एम आर के रिलेटेड मैंने आपको अगर बताना है, तो बहुत ऐसे कीवर्ड्स हैं, तो आपके सामने मैंने एक पूरी की पूरी रिसर्च आपके सामने विदाउट यूजिंग एनीथिंग मैंने आपको दिखा दिया। आप ये देखो, ये भी देख सकते हो, व्हाट डज द येलो हर्ट मीन ऑन स्नैपचैट, अब इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कौन कौन सी साइट रैंक कर रही है, ये देख सकते हो आप, ठीक है, अब कौन कौन सी साइट रैंक हो रही है, ये देखो क्या क्या रैंक हो रहा है, ठीक है, कोरा रैंक हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स भी रैंक हो रहा है ना, आप देख रहे हो। लेकिन आपको यहाँ अगेन डरना नहीं, आप सिंपली कवर करो, और फिर जब आप बैगलिंग अथॉरिटी एंड देन डिफरेंट, यहाँ एक चीज आपको मैं दिखाता चलूँ, कोई भी ऐसी साइट आप देखो जिसने उस तरीके का काम जो मैंने बताया नहीं किया है, और दे आर समथिंग मल्टीपल टाइप, मीन्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ अथॉरिटी क्रिएट करना एक थोड़ा टफ होता है, इट मीन्स कि आप हजार टॉपिक के ऊपर काम करोगे और कोई किसी बंदा एक टॉपिक के ऊपर हजार आर्टिकल लिखेगा, तो वो बंदा उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा काम कर सकता है, उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा अच्छा रैंक कर सकता है, मीन्स कम बैकलिंक बजट से। तो मैंने सक्सेसफुली इस लेवल से आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है, जिसको अगर आप समझ जाओगे, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नीचे की इश्यू हो, ठीक है, किसी को भूल जाओ, ये सारा बिजनेस सबको भूल जाओ आप, ये मल्टीपल, और इसकी कॉन्सेप्ट अलग है, बहुत मल्टीपल है, आपको बस एक टॉपिक मैंने ये समझाया कि इस लेवल से बस आप स्टार्ट करो, एक अच्छा टॉपिक पकड़ो और पहले स्टार्ट करो, फिर आप देखोगे क्या करना नहीं करना है। कॉम्पिटिटर रिसर्च का तो एक अलग तरीके, मीन्स जो भी अभी मैंने आपको बताया, वो मल्टीपल टाइप के, जब आप कीवर्ड्स को कवर करते हो एक साइट के अंदर, मल्टीपल चीजों को कवर करते हो, तो उसके लिए फिर थोड़ी मुश्किल आपको देखना पड़ता है। लेकिन जब आप इस तरीके से काम करते हो, जो अभी समझाया मैंने, उस तरीके से आप देखोगे कि आपको आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इतना कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी, एक एक कंप्यूटर को चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो अच्छे सर्च वॉल्यूम हो, अच्छा सा ये मीन्स ये सारा कुछ को देखो, तो यहाँ से अभी आपने देखा कितना इतना कीवर्ड्स है कि आप कवर कर नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से आप सोचो कि किस लेवल से क्या काम हो सकता है, मैंने कैसे ये जो टॉपिक्स उसी से मैंने निकाल लिया, फिर वहां से अंदर जाकर एक पूरी की पूरी मैंने उससे मैंने चीजों को देख लिया, तो बहुत कुछ है जिससे आप टॉपिक और ये रिसर्च को बेहतरीन तरीके से बना सकते हो, और फ्री टूल से भी बहुत आइडियाज आप ले सकते हो, यहाँ से भी बहुत कुछ है जिसको कि आप ये कर सकते हो,
आइडियाज ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि टूल बेस्ड वेबसाइट्स होते हैं, एक नीच वेबसाइट्स होता है। तो नीच वेबसाइट्स के ऊपर कैसे काम करना है, आज का टॉपिक ये हमारा था। एक सिंपल वर्ड में मैंने आपको बता दिया, आप कोरा है, कोरा के ऊपर आप जाओ, फिर यहाँ अगर टूल नहीं है तो इन URL एंड देन स्नैपचैट, ठीक है। अब मैं कोरा के ऊपर देख रहा हूँ कि कितने ऐसे आर्टिकल स्नैपचैट के रिलेटेड हैं। स्नैपचैट जिसके URL के ऊपर स्नैपचैट है, तो आप सिंपली टाइटल को देखकर भी ये कर सकते हो। अब ये देखो, सिंपली टाइटल के ऊपर देखकर भी आप ये निकाल सकते हो, देख सकते हो। सिंपली आप टाइटल को देखोगे तो कीवर्ड्स निकलते जाएंगे विदाउट यूजिंग एनी टूल। आप देखो, सिंपली आपके पास कोई टूल नहीं है, लेकिन यहाँ से भी कितने सारे, अब हाउ टू भी निकाल लो, हाउ टू स्नैपचैट करके भी आप देख लो, URL के अंदर हाउ टू होना चाहिए, ठीक है, और स्नैपचैट भी होना चाहिए। तो कितने ऐसे हैं यहाँ पर, आप देखते जाओ, हाउ बिल्कुल होगा, हाउ टू, फिर स्नैपचैट भी होगा, ये देखो आप, हाउ डज, हाउ डू यू, एंड जो भी है रिलेटेड। तो इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर से, ऐसा नहीं है कि पेड टूल इज द ओनली थिंग जिससे कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, जिससे कि आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो एनी टॉपिक, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग स्मार्ट होम लेट मी हाई फाई बीस्ट, यू कैन सी दिस 1 DR, 5.1K ट्रैफिक, ठीक है, 1 DR की साइट है, हाई फाई बीस्ट। अब ये देखो, ये देखो आप, इसने किस किस तरीके से इसने काम किया है, ओके, किस लेवल से इसने काम, इजोइक कितना अच्छा ट्रैफिक है इसके पास, और ये इजोइक के ऊपर भी काम कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट, अब जैसे मैंने बताया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गेमिंग, ये वो, हर दुनिया में हर एक टॉपिक के ऊपर साइट तो बन सकती है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये रिसर्च करना है कि कौन सा एक अच्छा मार्केट है, किस मार्केट के ऊपर थोड़ा अच्छा काम किया जाए। अब मार्केट के ऊपर जहां बात ये है, तो आपके पास मैं एक फ्री टूल बताता हूँ, ये यूज कर सकते हो, ग्लिम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्नैपचैट ही देखता हूँ, स्नैपचैट ग्लिम्स ये टूल का नाम है, फ्री टूल है। अब ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड आपको शो कराएगा, और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे ट्रेंड्स के साथ आपको निश आइडियाज भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये देखो स्नैपचैट के किस तरीके से ट्रेंड्स हो रही है, अब पेरेंट सीड कीवर्ड से देखा जाता है चीजों को। अब यहाँ देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, इट विल शो यू सो मेनी थिंग्स। अभी ओके, आई थिंक ये एक्सपायर हो चुका है, इट विल गिव यू फ्री क्रेडिट्स, यहाँ से अभी ये वर्क नहीं कर रहा, आप इसको ये कर लीजिएगा, ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहां से ये बहुत डिफरेंट तरीके से शो कराएगा ग्लिम्स, इसकी ट्रेंड्स एंड देन डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स कीवर्ड्स एंड ट्रेंड्स नीच आइडियाज, वो ऑलरेडी आपको बताता चलेगा। ओके, जस्ट ओके, इट इज नॉट वर्किंग, आप इसको अपने एंड से यूज कर लीजिएगा। तो ट्रेंड्स के से आपको एक आइडिया मिलता है, ट्रेंड से आप एक अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो कि आपका कीवर्ड क्या है, आपका कीवर्ड के ऊपर आपको ये करना है या नहीं करना है, ठीक है। टॉपिक और मार्केट को समझा जाता है, इसने कितना कीवर्ड को कवर किया है, साइट मैप को देखा जाए, साइट मैप से आपको एक आइडिया मिलता है उसकी वेबसाइट में किस किस तरीके से क्या क्या चीजें यूज होंगी। इसके भी आर्टिकल्स होंगे बहुत, ये मैं आपको बताता चलूं, मैंने जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत चीजों का निचोड़ एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखो, इसकी हाउ टू रिसेट, हाउ टू क्लीन, हाउ टू क्लीन, हाउ टू क्लीन करके इसने 197 URLs है, ये देख सकते हो, हाउ टू रिसेट के ऊपर कितना, अब रिसेट वाले कितने कीवर्ड्स हैं इसके पास, जो मैंने पहले दिखाया आपको 70 ऐसे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जो मैंने उस वेबसाइट के ऊपर मैंने जो आपको दिखाया, अगेन मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर मैं दिखाता चलूंगा आपको,
कीवर्ड्स, आर्टिकल्स एंड साइलो का जो गेम है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल हाफ एन आवर एंड 1 आवर के सेशन में मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बता दी हैं, इससे भी बहुत बहुत मीन्स ऐसा है कि आप फेल नहीं होगे। ठीक है, अब ये देखो DR 1.2 एंड देन 4K कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ओके अच्छे खासे कीवर्ड्स आप देख सकते हो। रिसेट के ऊपर रिसेट वाला टर्म इसका आप देख सकते हो, दे आर पोजिशन 5 5 5 एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। अनलॉक के कितने कीवर्ड्स हैं? 12 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अनलॉक के ऊपर है, और रिसेट के 70 ऐसे आर्टिकल्स हैं। क्या होगा अगर आप 500 ऐसे आर्टिकल्स कर दो हाउ टू रिसेट के ऊपर, फिर क्या हो सकता है? और बैकलिंक्स भी बनाओ अच्छे से आप। आप मल्टीपल भी काम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। हाउ टू रिसेट भी कर सकते हो आप, देख सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि रिसेट आप एक ब्रांड डोमेन के ऊपर 100 आर्टिकल रिसेट का डाल दो, 100 आर्टिकल डिफरेंट स्टफ के लिए डाल दो, या फिर जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये तो दूसरा तरीका होगा। फिर मैंने आपको बताया कि आप एक टॉपिक को पकड़ो, क्रोमबुक को पकड़ो, क्रोमबुक को पूरा का पूरा कवर कर लो, ठीक है, आप क्रोमकास्ट को पकड़ो, एक टॉपिक को पकड़ो उसको कवर कर लो, सिंपल सी बात है, गॉट इट? तो यहां से अगेन मैं देखो यहीं से मैं कितने सारे आइडियाज निकाल सकता हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। पेट चीजों के ऊपर भागते रहने से नीचे से नहीं मिलती है। ओके, तो गाइस इट इज आई थिंक इट इज मच क्लियर। आपके सामने मैंने ये बहुत सारी चीजें शो कराई हैं। अब यहाँ देख इन सारे साइट्स के स्टैट्स भी आपको दिखाता चलो जो आपके सामने हैं, उनकी वर्किंग्स हैं, ठीक है, अनबोर्ड प्लस। ओके, सो दिस इज वन ऑफ माई प्रोग्राम जिसमें मैं नीच मीन्स ऐसे ही अपनी रिसर्च वगैरह को प्रोवाइड करता हूँ ताकि मेंबर्स को थोड़ी आसानी हो सके चीजों को समझने में। अब यहाँ आप देख सकते हैं 6 DR एंड 6 2.3 K कीवर्ड्स, और इसके लिए यू कैन से दिस इज समथिंग वेरी गुड। अच्छे अच्छे लोगों को इतना करने में टाइम लगता है, आप समझो इसको। अगर अगर प्लानिंग से काम नहीं होता है तो इतना करना भी इट्स नॉट समथिंग वेरी अमेजिंग। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो, और एंड यू नो दैट बैकलिंक के ऊपर भी काम करो और इधर भी काम करो, सारी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करो, यू कैन सी दिस, एनी वन कैन मेक मनी, एनी वन कैन डू परफेक्ट वर्क। और इस तरीके के साइट की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता चलूं, मार्केट के ऊपर वेबसाइट सेल भी बहुत अच्छी होती है। $100 भी अगर आपकी साइट बना रही है, जो कि मैं आपको बोल दूं कि 3 4 अच्छे कीवर्ड्स भी आप टॉप 3 के ऊपर ले आओ, तो वो आराम से इजिली आप $100 क्रॉस कर सकते हो। इतना भी मैं आपको बताता चलूं, अच्छे कीवर्ड्स हो तो, ठीक है, $100 भी अगर आपका वेबसाइट 6 मंथ तक बना रहा है तो उसकी वैल्यूएशन मार्केट के ऊपर $3,000 प्लस हो सकती है। अच्छा साइट है तो $3,000 से ऊपर, आप सोचो इस तरीके की साइट अगर आप अच्छे से बना रहे हो, इवन इफ यू सेल गुड 10 वेबसाइट्स यू कैन मेक प्रिटी गुड मनी, और वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आप उसको इन्वेस्ट करो, फिर अच्छे से एक बहुत बड़ी साइट बनाओ। तो आज के सेशन में मैंने आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ, माइंडसेट के साथ, एक बिजनेस मॉडल भी मैंने आपको समझाया बताया, ओके, जिसके ऊपर कोई भी बंदा काम कर सके उससे अर्न कर सकता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ बातें हैं, यहाँ पे वो ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने अपनी चीजों से सीखा है, और उसको मैंने बहुत अच्छा तरीके से, उससे लोगों को फायदा हो रहा है, उससे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ और आगे भी होता रहेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस मैं इतना ही कवर करना चाहूंगा। आई होप एनीथिंग, एनी कोई क्वेश्चन है आप तो आप पूछ सकते हो, आप नीचे कमेंट के ऊपर भी पूछ सकते हो, ठीक है, और एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू अगेन विकास ब्रदर मुझे इनवाइट करने के लिए। आई होप कि आपके मेंबर्स को काफी अच्छा लगा हो ये सेशन। ओके।
थैंक यू सो मच अभिलाष भाई, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। अगर आज ये सेशन देख के किसी को नीच नहीं मिल रहा है, फिर भी कोई पूछ रहा है कि नीचे कैसे फाइंड करे, तो उसे कभी नहीं मिल सकता। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से आपने बताया कि कैसे नीच फाइंड करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, थैंक यू जी सो जी मच अभिलाष भाई। थैंक यू अगेन। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कमेंट करके आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करके ये भी बताइए कि अगले वीडियो में मैं कौन से एक्सपर्ट को इनवाइट करूं और कौन से टॉपिक पर डिस्कस करूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।